हेलो फ्रेंड्स, निक्स फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चिक्की बनाने की दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। तो आइए पहले तिल की चिक्की बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तिल की चिक्की बनाने के लिए हम सबसे पहले तिल लेंगे। तिल हम थोड़ी मात्रा में लेंगे, एक साथ बहुत सारा तिल नहीं लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी के बराबर तिल लिया है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तिल थोड़ा गोल्डन होने लगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट या बॉल में निकाल कर ठंडा होने देंगे। जब तक तिल ठंडा होता है, इसी बीच हम चॉपिंग बोर्ड पर बटर पेपर की शीट लगाएंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बोर्ड की जगह आप थाली या प्लेट को उल्टा करके भी यूज कर सकते हैं। हम एक कढ़ाई में तिल के ही बराबर मात्रा में चीनी डालेंगे। चीनी जब तक ना पिघल जाए, हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छी तरह से पिघल चुकी है और इसके साथ ही भुने हुए तिल को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस समय हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और उसे भी मिला लेंगे। तिल और चीनी के मिश्रण को बटर पेपर पर डालेंगे और इसे चम्मच या स्पैचुला से जल्दी जल्दी फैलाएंगे। इसके बाद इसमें ऊपर से बटर पेपर की इसकी दूसरी शीट रख करके बेलन से बेलकर पतला कर लेंगे। बटर पेपर की जगह प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं। का ध्यान रखें कि हमें यह सारा प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना है। ये देखिए कितनी पतली और बिल्कुल बाजार जैसी चिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे जितना फास्ट बेलेंगे, यह उतनी ही पतली बनेगी। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम मूंगफली की गुड़ वाली चिक्की बनाएंगे। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक कप मूंगफली लेकर उसे कढ़ाई में लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे बराबर चलाते रहेंगे। जब मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो उसे एक कॉटन के कपड़े में डालकर इसकी पोटली बनाएंगे और इस तरह से पोटली को थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे, जिससे मूंगफली के छिलके इससे अलग हो जाएंगे और हम इसे साफ कर लेंगे। मूंगफली को हम किसी छोटी कटोरी से प्रेस करेंगे, जिससे उसके दोनों भाग अलग अलग हो जाएं। इसी बीच मैंने चॉपिंग बोर्ड पर घी लगा लिया है। अब कढ़ाई में एक कप गुड़ डालकर एक चम्मच पानी डालेंगे। इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे। ये देखिए, गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जब इसमें से झाग आने लगे तो एक बॉल में पानी लेकर इसके कुछ बूंदे इसमें डालकर इसे हम चेक करेंगे। जब छूने पर गुड़ थोड़ा सा कड़ा लगने लगे, तब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को घी से ग्रीस किए हुए चॉपिंग बोर्ड पर डालेंगे। इसे हम प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे और बेलन में घी लगाकर इसे पतला बेल लेंगे। इसी तरह से मैंने मूंगफली और गुड़ की चिक्की बना ली है। ये चिक्की थोड़ी गर्म है तो इसी समय हम चाकू से इस पर कट लगा लेंगे और आधे घंटे तक इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ और मूंगफली की कितनी अच्छी चिक्की बनी है। यह बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में बन जाती है। फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों चिक्की की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।